महत्वपूर्ण है, आशीर्वाद लिया है, क्या सिचुएशन है ओवरऑल? नहीं, ये तो बहुत जरूरत है, देवी देवताओं का सबका आशीर्वाद मिलना हमारे साथ। वैसे भी जब मैं किसी भी इलाके में जाता हूँ तो देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं, और आज तो शुभ शुभ दिन है और बहुत अच्छा रिस्पांस पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र से मिल रहा है, चुनावों में भी मिला है, पूरे जो हमारी चुनावी प्रक्रिया थी, और आज भी मुझे हमें पूरा विश्वास है कि वो वोटों में तब्दील होगा, विकास की जीत होगी, विक्रमादित्य सिंह की नहीं मगर मंडी संसदीय क्षेत्र के 14 लाख लोगों की जीत होगी, और मिलकर हम विकास कार्यों को आगे लेकर जाएंगे। पोलिंग परसेंटेज बढ़े, क्या अपील करेंगे? मेरा वही निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने आए, युवा, बुजुर्गवान, महिलाएं, आपको ये अधिकार आपके संविधान में मिला है और उसका सही उपयोग करना ये हम सबका दायित्व बनता है। इसलिए मेरा सभी मतदाताओं से निवेदन है कि शाम 5-6 बजे तक मतदान होगा तो सब अपने मतदान केंद्र पर जाए और भारी से भारी संख्या में मतदान करें। मैम, जानना चाहेंगे, विक्रमादित्य चुनाव लड़ रहे हैं, आप वोटिंग के लिए जा रहे हैं, उससे ठीक पहले मंदिर दर्शन किए हैं, कितना महत्वपूर्ण है देवी देवताओं का आशीर्वाद और मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट में क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, आज शनिवार है तो शनि देव के दर्शन करने में आए, उनका आशीर्वाद लेने आए। जहां तक चुनाव की बात है, मुझे लगता है कि लोग भारी मात्रा में वोट कांग्रेस पक्ष में डालेंगे क्योंकि वो भी केंद्र सरकार में बदलाव चाहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी का 400 पार का नारा है, कहाँ देखते हैं? वो नारा नारा ही रह जाएगा वो तो 200 भी मुश्किल है पार कर पाए। देश में जो हम देखते हैं चुनाव में पोलिंग हुई, वो परसेंटेज काफी कम रहा, आप क्या अपील करेंगे हिमाचल में मतदाता, क्योंकि हिमाचल हमेशा रिकॉर्ड पोलिंग करता है? नहीं, वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग बहुत जागरूक है और लोग अवश्य अपना मतदान देने जाएंगे। सुबह का वक्त है, अब दिन है, दोपहर है, शाम है, तो काफी मात्रा में लोग जाकर अपने मत का प्रयोग करेंगे।